हेडिंग पिद्रम सुल्तान बोध। लेकिन बगौर देखें कि ये सारे नाम जो मैंने गिनाए, ये 7वीं से लेकर 13वीं 14वीं सदी तक ख़त्म हो जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया में मुसलमानों के इंदराज 15वीं या 16वीं सदी के बाद तो बिल्कुल अनवका हैं, मिलते ही नहीं, बल्कि अब तो बस हम अफसानवी अंदाज से माजी की याद में मुस्तकबिल के ख्वाब तामीर करने की नाकाम कोशिश करते हैं। लगता है कि मोहब्बत हमें माजी से इतनी है कि मुस्तकबिल फरामोश कर बैठे। अब तो हम ढकोसले पर जी लेते हैं, बल्कि बस टोकनिज्म भी काफ़ी है। बकौल शायर, हमारे दौर के इंसान खुद अपनी ही ज़िद निकले, तलब माजी की होती है कदम फरदा में रखते हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि बतेरे मुसलमान इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं, और ये कि मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ ममालिक हल्का बगोश इस्लाम होते जा रहे हैं। अव्वल तो ये कि यह सच नहीं दिखाई देता, और अगर है भी तो इससे क्या क्या हिंदू सेंट्स और हिंदू गुरुओं की पैरवी भी नहीं बढ़ रही है? पहले हरे कृष्णा, महर्षि महेश योगी, ओशो रजनीश वगैरह थे, तो अब स्वामी नारायण, सत्य साईं बाबा, श्री श्री रवि वगैरह, क्या इनके पैरोकार मुख्तलिफ कौमों से नहीं आ रहे हैं? बहुत से अंग्रेज़ इनके जलसों में नज़र आते हैं, बल्कि कुछ नोबल इनाम याफ्तगान तक महेश योगी के कायल थे। इससे क्या आप ही की तरह हम भी कभी इससे मुतासिर नहीं हुए? क्वांटिटी या नंबर्स या तादाद नहीं, क्वालिटी, उनकी सेहत और उनकी ताकत, ये है जो कौमों को जिला बख्शती हैं। कितने लोग मुसलमान हुए ये नहीं, बल्कि ये पूछिए कि कौन और क्यों। क्या आपने अभी नहीं देखा कि यहूदी कितने कम हैं हमारे मुकाबिल, मगर सारे अरबस्तान को दहला रखा है? 150 करोड़ मुसलमान मिलकर अपनी जायज़ ज़मीन वापस नहीं ले पाए उनसे। अगर हम अपने मोहम्मद अली किले और माइकल जैक्सन की नुमाइश कर सकते हैं, तो हिंदू जूलिया रॉबर्ट्स की, बुद्ध तो ढेर सारे हॉलीवुड स्टार्स की जैसे रिचर्ड गेरे, जेनिफर लोपेस, स्टीवन सीगल वगैरह की, और क्या इस्लाम के मुस्तकबिल की ताबना की अब जैक्सन जैसे लोगों की रहीन मिन्नत होकर रह गई है? गुजरात के एक मुतमव्विल शहर भरूच के इलाके के एक सलीम शेख का जिक्र अखबारों में गोधरा के वाक़े के कुछ अरसे बाद खूब छपा था। जो रिक्शा चलाते थे, अपनी 5 बेटियों को उन्होंने एक एक करके दरिया में गर्क कर दिया। क्यों? गुर्बत की वजह से। छठा बच्चा जो माँ की गोद में था बच गया। इस तरह के वाक़यात की नदामत हमें मजबूर करती है कि हम अस्सरेनो गौर करें अपने हालात पर और बेजा छाती ठोंकने की आदत तर्क करें। इस तरह की जो मिथ्स और जो ढकोसले फैलाए जाते हैं या इस तरह के जो दावे किए जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को कहिए, भाई आबादी अब बाईस वक़ार नहीं, बाईस शर्म फेल बनकर रह गया है। तो आइए लगे हाथों अपनी आबादी का जायज़ा भी लेते चलें। इसकी वजाहत नीचे की मीज़ान में की गई है। समीन, यहाँ किताब में एक टेबल दिया गया है, इसकी वजाहत पेश है। इसमें कॉलम्स हैं मजहब, मिलियन आबादी और फ़ीसद। बताया गया है कि ईसाई 2100 मिलियन 2100 मिलियन हैं और 30.58% यानी लगभग 31% आबादी उनकी है। मुसलमान 1500 मिलियन और लगभग 22%, मुनकिरीन खुदा 1100 मिलियन और लगभग 16%, हिंदू 900 मिलियन और कोई 13%, कबायली चाइनीज़, रिवायती मजहबी चाइनीज़ 394 मिलियन और 6.5% या 6%, इसी तरह बुद्ध 376 मिलियन और 5.5% लगभग वगैरह। कुल आबादी इस तरह 6,868 मिलियन लोगों की हुई, जिनमें मुसलमान
1500 मिलियन हुए। आइए लौटते हैं तबाशुदा तहरीर की तरफ। लगभग 22% इंसानियत मुसलमान है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बढ़कर अब 25% तक पहुंच गई है। हमें डर लगता है कि फिर हमसे ये न पूछा जाए कि क्या इंसानियत को तुमसे 20 या 25% फ़ायदा भी पहुंचता है। कानून फितरत के खिलाफ तोहमात हमारे माशरे का हिस्सा से बन गए हैं। मसलन हम पले बढ़े इस बात को बार बार सुनते हुए कि एक मोमिन 1000 काफिर पर भारी है। आम मुसलमान का ये गोया एक जुज़्व ईमान बन गया है। यकीन कामिल सा उन्हें इसका हो गया था। गुजरात में जो बहीमाना कत्तो गारतगिरी हमने देखी, इससे लॉज ऑफ फिज़िक्स या कानून फितरत अच्छी तरह समझ में आ गए कि तादाद, हथियार और ऑर्गेनाइजेशन ये भी अहम हैं। मारने वालों के पास हथियार थे, वो बड़ी तादाद में थे, वो मुनज़्ज़म थे, इसलिए मरने वाले अपने ईमान के बावजूद बच नहीं सके। इसी तरह हमें बड़ी कोफ्त होती है जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम उम्मा आलमी सतह पर एक है, मुत्तहिद है। कहाँ है? हम नहीं देख पाते ये इकाई। ट्रांस नेशनल, ट्रांस टेरिटोरियल, ट्रांस सेक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ वन कम्युनिटी नहीं दिखाई देता हमें। कहाँ थे दुनिया भर के मुसलमान जब गुजरात के मुसलमानों पर अताब टूट पड़ा? बल्कि सच पूछिए तो मुसलमान हैं कहाँ? यहाँ तो खोजा हैं, बोहरा हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं और एक दूसरे के न होने पर बजिद हैं, मार रहे हैं। पाकिस्तान और इराक में तो गोया नेक मुसलमानी इसमें मुजमिर होकर रह गई है कि आपने कितने मारे उनके। इस्लामी लिटरेचर तक भरा पड़ा है कि कैसे फलां फ़िरका सांप से बदतर है, जहरीला है, कैसे मुशरिक, मुर्तिद, मुलहिद उससे बेहतर हैं। कोई पूछे तो बकौल शायर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ईसाइयों में 2000 साल के बाद आज भी ईसाइयत के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप की शक्ल में मौजूद हैं। मुसलमानों की खिलाफत तो कब की ख़त्म हो गई और जिन हालात के बाद हुई शायद ऐसा ही होना था। अब कौन इंटरनेशनल यूनिफाइंग फोर्स या बैनुल अक्वामी सतह पर कौन हमारा मरकज है? गुजरात के मुसलमानों की मदद करने वालों में यकीनन मुस्लिम तंजीमें, मुख्तलिफ ममालिक के कुछ मुस्लिम ज़रूर शामिल थे, लेकिन अव्वलीन मदद मुसलमानों को जो पहुंची तो यहीं के हिंदुओं से पहुंची, ईसाइयों से पहुंची। और दुनिया भर से जागते ज़मीर के मालिक लोग जिनमें मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ये खींचे चले आए। हफ्तों महीनों यहाँ क़याम किया, हमारे आंसू पहुँचे, हमारा साथ दिया। ये मज़हब के नाम पे नहीं, इंसानियत के नाम पे आए थे। यकीनन मुस्लिम मजहबी जमातों ने गिरां कदर खिदमात अंजाम दी, बतौर ख़ास जमीयतुल उलमा, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी ने, लेकिन मुख्तलिफ तरह की NGOs या फलाही इदारों ने भी ये काम किया, बल्कि बेहतर किया और कर रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई, मुजरिमीन को सज़ा दिलवाने का बाहिम्मत काम तो बस यही कर रहे हैं। हेडिंग, मोहसिनीन गुजरात। कैसे भूल सकते हैं हम सिटीजन्स इनिशिएटिव को, इंसानियत को, अमन एकता मंच को, एक्शन एड को, केयर को? किसने पहुंचाई हमारी दुख की कहानी दुनिया तक? भारत के मीडिया ने, जिनके मालिक बिलाशुबा मुस्लिम नहीं हैं। NDTV, आज तक, जी, अंग्रेज़ी अखबारों ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, BBC ने। कैसे भूल जाएं हम बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, प्रणॉय रॉय, धीमंत पुरोहित, प्रफुल्ल बिदवाई, सिद्धार्थ वर्धराजन, वीर संघवी, शेखर गुप्ता, BG वर्गीज, स्वामीनाथन अय्यर, विद्या सुब्रमण्यम, चित्रा पद्मनाभन और इन जैसे सैकड़ों सहाफ़ियों को जो हक़ की खातिर अपने कलम, अपनी ज़ुबान और अपने इल्म के हथियारों से जिहाद लड़ रहे थे। आज भी तहलका TV पर, हेडलाइंस टुडे पर हिंदू दहशत पसंदी के सनसनी खेज और दंदा शिकन इनकशाफात कौन कर रहे हैं? यही तरुण तेजपाल,
आशीष खेतान, राहुल आशुतोष वगैरह, जिन्हें हम काफिर कहते जरा नहीं चूकते। बरसबील तज़किरा, काश किसी मुस्लिम जमात ने तहलका के गोधरा साजिश से मुतालिक या बाद में बेंगलुरु की राम सेना जैसे चौंका देने वाले वीडियो रिकॉर्डेड इनकशाफात की बुनियाद पर भारत भर में आंदोलन किया होता, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन की होती, कितना अनमोल मवाद इन मुजाहिदीन ने पेश किया था। मगर इतनी दूरंदेश हौसला मंदी की उम्मीद और हमसे? खैर, तो अर्ज ये कर रहे थे हम कि ये जो तसव्वुर हमारा है कि सिर्फ मुसलमान मुसलमानों के काम आता है, हालात ने इसे गलत साबित करके बतलाया। अच्छे इंसान दूसरे इंसानों के काम आए और आते हैं। इसी शहर अहमदाबाद में डेढ़ सारे मालदार मुसलमान भी थे और हैं, जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, न तब न अब। इन्हें अपने कारखानों, होटलों और शोरूमों की हिफाजत से, उनके इंश्योरेंस क्लेम से फुर्सत ही कहाँ थी। और जो ही हालात दुरुस्त हुए, ये नई पार्टनरशिप्स बनाने में जुट गए। बीजेपी के वीएचपी के कारकुनों से सांस गांठ कर ली और कारोबार फिर से शुरू। उधर मसाजिद में चंदा देंगे, इधर वीएचपी को। क्या खूब तवाजुन बना रखा है इन्होंने। प्रैक्टिकल लोग हैं ये जावेद अख्तर के शहर के दुकानदार। इधर कई हिंदू ऐसे भी देखे हैं हमने, जिन्होंने अपने कारोबार को बंद करके पूरी तरह फसाद जदगान की मदद करने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। मगर बेचारे मरेंगे काफिर ही मोमिन की निगाहों में। कुछ और भरम भी इसी तरह टूटे। हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि हमारे मुकद्दस मकामात की, मजहबी मकामात की, हमारी किताब की हमें हिफाजत करनी ज़रूरी नहीं है। खुदा उनकी खुद हिफाजत करेगा। गोया खुदा ने यह कह रखा है कि तुम गफलत बरतते रहो और मैं तुम्हारी तरफ से निगहबानी करता रहूँगा। शायद हमें इसी गलती की सज़ा मिली कि इतनी सारी मस्जिदें दरगाहें मुनहदम हुई, उनकी बेहुरमती हुई, कुरान की बरसरे आम बेहुरमती की गई और हम देखते रहे। खुद हमने तबाही झेले नरोडा पाटिया की उजड़ी एक गली से कुरान का पैरों तले रोंदा एक सफ़ा उठा लिया था। इसी तरह एक कोने से जहां किसी मुस्लिम बहन ने अपनी असमतदरी के दौरान तड़प तड़प कर जान दी होगी, उसकी एक चूड़ी भी उठा ली थी। ये दोनों हमने फ्रेम कर रखी हैं। और जब और हम और हमारे साथी नाउमीदी के एहसास से थक हार कर बैठने लगते हैं, तो यही हमारे मिशन की याद दिलाते हैं। गोया कहते हों, अभी तो काम बाकी है, अभी तो शाम बाकी है। ढेर सारी बहनों की इस्मत दरी हुई और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। फिर भी हम छाती ठोक के कहते हैं कि मुसलमान हर जगह फैल रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ रही है। जाने हम किस गफलत की नींद सो रहे हैं। पूछिए गुजरात के मुसलमानों से, पूछिए इराक, फलस्तीन, बोस्निया और चेचनिया के मुसलमानों से, पूछिए अफगानिस्तान के मुसलमानों से कि क्या वाकई तुम तरक्की कर रहे हो, तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, तुम्हारी इज्जत और आबरू बढ़ रही है। जैसे शायर ने कहा कि बे इल्म भी हम लोग हैं, गफलत भी है तारी, अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं। हेडिंग, शरीक नदामत। मुमकिन है आप अब भी हमसे नाराज हों, मुमकिन है आप अब भी पूछें कि क्या हक पहुंचता है हमें आपका दिल दुखाने का। हक यूं पहुंचता है हमें कि हम भी आपके साथ रो रहे थे। उसी तरह जब मुकद्दस मकामात की बेहुरमती हुई, जब हमारी बहनों की बेइज्जती हुई, जब हमारे बच्चे यतीम हुए और हमारे घर लुटे और जले और पुलिस दूसरी तरफ मुंह फेर कर देखती रही, जब मोमिनीन को उन लोगों के एहसान पर जीना पड़ा जिन्हें ये काफिर कहा करते थे, जब अफगानिस्तान में बमों की बारिश हुई और यह दर्दनाक मंजर हमने देखा कि अमरीकी जहाज़ों के गिराए हुए गेहूं के पैकेट लेने के लिए हमारे अफगानी भाई आपस में लड़ पड़ते थे, तब हम भी रोए। खुद ब खुद इस बेबसी पर आंसू निकल पड़े हमारे भी। रोए तो हम उस दिन भी कि जब द सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल बैटल्स, यानी तमाम लड़ाइयों की माँ, इसमें कुवैत में
हारे हुए इराकी सिपाहियों को अमरीकी सिपाहियों से पानी की चंद बूंदें पीने के लिए मिल जाती तो चहक उठते और ये उनके जीने का सबब बनती थी। हम भी बेइख्तियार बिलक बिलक के रोए हैं आपके साथ जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई। हालांकि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमारी राय शुरू से ही बिल्कुल मुख्तलिफ रही है, जिसका जिक्र किसी और सफ़े पर होगा। गुस्सा हमें भी बहुत आया है आप ही की तरह, जब टीवी पर हमने इसराइल के दबावों को फ़लस्तीनी मकानों को मुनहदम करते हुए बेकसूर फ़लस्तीनियों को दहशत ज़दा करते हुए देखा। बहुत तड़पे हैं हम जब नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इस बात पर गौरव यात्रा या फ़ख्रिया जुलूस निकाली कि उसके दौरे हुकूमत में मुसलमानों को सबक सिखाया गया और लाखों गुजरातियों ने गुजराती हिंदू बहन भाइयों ने उसकी ताईद की, जबकि उसके पास दिखाने के लिए और कोई कामयाबी उस वक्त नहीं थी सिवाय इसके कि मुसलमानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। हम भी बहुत नाराज़ हुए, बहुत दुखी हुए हम भी जब हमने जॉर्ज बुश के अमरीकी सिपाहियों को, इराक के सॉवरेन लोगों को, खुद मुख्तार लोगों को पीटते काटते लूटते देखा, उन पर जुल्म व ज्यादती करते देखा। अबू गरीब के जिल्लत भरे दिन हम भी सहे हैं ना, बल्कि इससे ज़्यादा दुख और गुस्सा हमें उस वक्त आया जब ये देखा कि उसका साथ देने वाले दूसरे नहीं मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरब है, मुत्तहदा अमारात है, तुर्की है, मिस्र है और दूसरी तरफ अमेरिका की मुखालफत में फ्रांस और जर्मनी हैं, जिन्हें हम क्रिश्चियन ममालिक कहते हैं। बल्कि अमेरिका की मुखालफत, इस पॉलिसी की मुखालफत करने वालों में खुद ईसाई रहबर पोप भी शामिल थे। मैड्रिड से मेलबर्न तक ईसाइयों ने अमेरिकी जारहियत के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली, जिनकी मिसाल मुसलमान मुल्कों में शाज़ और नादर ही मिलेगी। और तो और वाहिद मुस्तनद और मोतबर तर्जुमानी मुसलमानों की जिसने की, यानि अल जज़ीरा अंग्रेज़ी चैनल, खुद इस मुल्क में जहाँ से अल जज़ीरा चलता है, इसने यानी अल उदैद एयरबेस कतर ने अमरीकी एयरफोर्स की मेज़बानी की। बकौल शायर, बढ़ रही है नवाजिशे अगियार, तुम कहाँ हो मेरे शनासाओ। हम भी शर्मिंदा हैं, हमने भी जिम्मेदारी महसूस की है आप ही की तरह। जब जब हमने मुसलमान बच्चों को भीख मांगते हुए देखा और जब जब हम देखते हैं कि जराइम में मुसलमान मुलविस होते हैं, अखबार में जब खबर आती है जुर्म की तो बड़े हौसले और उम्मीद से खबर देखते हैं कि शायद इसमें मुसलमान का नाम नहीं होगा, और जब किसी मुसलमान का नाम छपता है, जो कि बदनसीबी से अक्सर होता है, तो आपकी तरह हम भी शर्मिंदा होते हैं। हमें भी बहुत दुख होता है जब हम मुसलमान बच्चों को इम्पावरिश्ड, बीमार, लागर, कमज़ोर, पोलियो से माजूर देखते हैं, उन बच्चों को जिन्हें उम्दा पार्क्स, अच्छे खिलौनों के साथ सेहतमंद मदारिस में पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए। हड्डियों से चिमटी जिल्द वाले बच्चे डारफर के, इथियोपिया के, बल्कि बांग्लादेश के, इनकी तस्वीरें हमारी भी नींद उड़ा देती हैं। हमें भी बड़ी शर्म महसूस होती है जब मुसलमान बुर्का पोश ख्वातीन को खतार बांधे देखते हैं अस्पतालों में, उन अस्पतालों में जिन्हें हमारे क्रिश्चियन, हिंदू और जैन भाई चलाते हैं। इसलिए नहीं कि हमें इन भाइयों से बैर है, बल्कि इसलिए कि अपने आप पर हमें शर्म महसूस होती है कि हमारे अपने अस्पताल क्यों नहीं, जिनमें गरीब हिंदू इलाज करवाए। गरीब तो गरीब, मालदार से मालदार मुसलमानों को हमने देखा ईसाई पादरियों के आगे जानूए अदब तय करते हुए ताकि उनके बच्चों को अंग्रेज़ी मिशनरी स्कूल में दाखिला मिल जाए, मगर हम मिशनरी स्कूल की टक्कर के स्कूल नहीं बनाए। बैनुल अक्वामी सतह पर यूएनओ में मुस्लिम ममालिक की मुस्तकिलन कोई सीट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल में ना इनका अपना कोई वीटो पावर है। सारे अरब ब्लॉक का कोई ख़ास असर हमें अक्वामे मुत्तहदा में नहीं दिखाई देता।